किस सादगी से वो भी दगा दे गया मुझे, किस सादगी से वो भी दगा दे गया मुझे, जिस शख्स ने कहा था कभी देवता मुझे। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे देश में हर मुसीबत के पीछे बस एक ही समुदाय जिम्मेदार होता है, वही समुदाय देश के खराब होते हालात के लिए भी जिम्मेदार है, वही समुदाय देश की गरीबी और भुखमरी के लिए जिम्मेदार है। भारत से पैसा लेकर विदेशों में फरार होने वाले लोग भी उसी समुदाय के हैं जिसका नाम मुसलमान है, यानी हर परेशानी के लिए केवल और केवल मुसलमान ही जिम्मेदार है। बीजेपी के राम राज्य में मुस्लिम समुदाय को बहुत से मुश्किलों से दो चार होना पड़ रहा है, महज इल्जाम लगने की देर है। विश्व गुरु के पुरोधाओं को बुलडोजर का जोर दिखाने में बहुत मजा आता है, बस सामने कोई टोपी वाला नजर आना चाहिए। लेकिन मंदिर और मस्जिद की लड़ाई जब से शुरू हुई है, हर मस्जिद में मंदिर तलाशने के बाद अब मंदिर पर ही धावा बोलने की घटना ने सबको हैरान कर दिया। लेकिन मंदिर पर धावा बोलने वाला कोई मुगल नहीं है, मंदिर पर धावा बोलने वाला कोई तुर्क नहीं है, मंदिर पर धावा बोलने वाला कोई अफगान भी नहीं है, यानी मंदिर पर हमला करने वाला कोई मुसलमान ही नहीं है, बल्कि वो एक हिंदू है जिसका नाम और पहचान मुसलमान नहीं है। मंदिर में तांडव मचाने वाला कोई टोपी वाला नहीं है, बल्कि कट्टर सनातनी है। ऐसे में सवाल है, जब धावा बोलने के लिए मस्जिद मौजूद है तो फिर मंदिर पर हमला करने की क्या जरूरत है? लेकिन हमारे देश में मुगल और मुस्लिम बादशाहों को मजहब की बुनियाद पर बहुत ही नफरत का शिकार बनाया जा रहा है। मुगलों का दौर कब का खत्म हो चुका है, लेकिन मंदिरों को तोड़ने का सारा दोष मुगलों के सिर पर मढ़ दिया जाता है, जबकि भाजपा के राम राज्य में मंदिर को तोड़ने का काम कोई और नहीं बल्कि खुद हिंदू ही कर रहे हैं। खुद बनारस में विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के नाम पर सरकार ने अनगिनत मंदिर तोड़ दिए, लेकिन अब भाजपा के रामराज और भाजपा के बुलडोजर दोनों पर सवाल खड़ा हो रहा है। आखिर क्यों खामोश हो गया भाजपा का बुलडोजर? आखिर क्यों उठ रहा है भाजपा के हिंदू प्रेम पर सवाल? आखिर किसने मंदिर में घुसकर किया देवी देवताओं का अपमान? आखिर मंदिर में किसने किया जमकर तोड़फोड़? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। इस वक्त पूरे देश में अंधभक्ति का ऐसा नशा छाया हुआ है जिसके बाद अब लोगों को अपने घर की चिंता होने लगी है, क्योंकि जब मंदिर ही सुरक्षित नहीं रहेगा तब पूजा किसकी होगी? तमाम मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाशने के बाद अब मंदिरों पर धावा बोल दिया गया है। मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ की घटना सामने आने के बाद भाजपा और भाजपा की सरकार को लकवा मार गया है, किसी की एक जबान भी नहीं खुल रही है। दरअसल मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ करने का मामला कर्नाटक से सामने आया है। वहीं कर्नाटक, जहां हिंदू सेना, श्री राम सेना और खुद को हिंदूवादी कहने वाले सड़क छाप संगठन मौजूद हैं, इसके बावजूद भी सबके सब खामोश हैं और सबकी जबान पर ताला लग चुका है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मंदिर में मूर्तियों को तोड़ने वाले लोग मुस्लिम नहीं है। वरना अब तक ये लोग कोई मस्जिदों के गुंबद पर भगवा लहरा चुके होते, कई मस्जिदों के सामने जय श्री राम के नारे लगा चुके होते और कई मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे होते, लेकिन मजाल नहीं जो एक सांस भी कोई ले सके। हिंदुओं का नाम लेकर नाक पालने वाले ये कोई हिंदू नहीं बल्कि भाड़े पर पलने वाले किराए के टट्टू होते हैं, जो नेताओं के हाथ की महज कठपुतली होते हैं। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए 5 महीने से कर्नाटक बहुत मेहनत कर रहा है। भाजपा की सरकार कर्नाटक को कुछ बनाए या ना बनाए, लेकिन कट्टरता और हिंदुत्व की प्रयोगशाला जरूर बना चुकी है, जहां बात बात में हिंदूवादी संगठन अपनी आंखें लाल कर लेते हैं, जहां मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की कसम खाई जाती है, जहां हलाल मीट को बैन करने की मांग की जा रही है। कर्नाटक के स्कूल और कॉलेज हिजाब के विरोध के नाम पर जिस तरह का तांडव देखा गया उससे बिल्कुल साफ हो जाता है कर्नाटक अब अलग ही राह पर चल पड़ा है। अब कर्नाटक के हासन जिले के एक मंदिर में दंगाइयों ने घुसकर तोड़फोड़ की है। बताया जा रहा है कि आरा सिकेरे इलाके में कुछ सिर पसंद अनासिर ने 30 मई को एक मंदिर में मूर्तियों को तोड़ दिया, जिसके बाद इलाके में काशी दगी का माहौल बन गया। यह भी पता चला है कि घटना माले कल्लू तिरुपति हिल के प्रदर्शनी केंद्र में हुई, जहां 300 साल पुराने इस पवित्र स्थान को मिनी तिरुपति मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर एक पहाड़ी के ऊपर
अरसीकेरे शहर से 2 किलोमीटर दूर मौजूद है। पुलिस के मुताबिक कम से कम 4 बदमाशों ने इन मूर्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया जो स्थापित करने के लिए लाई गई थी। अब सुनिए कि मंदिर में तोड़फोड़ करने वालों को बदमाश और हुड़दंग के नाम से नवाजा जा रहा है। चूंकि मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ करने वाले कोई एक ही समुदाय से थे, इसलिए मामला जांच पड़ताल तक ही घूम रहा है। अगर मंदिर में तोड़फोड़ करने वाला शख्स कोई और होता तो अब तक उसका घर तोड़ दिया गया होता, उसे आतंकवादी भी कहा जा रहा होता, लेकिन अब सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। पुलिस ने कहा कि सोमवार को मंदिर परिसर में आए बदमाशों ने जमकर हुड़दंगा मचाया। आपत्ति जताने के बावजूद उन्होंने मंदिर परिसर में धूम्रपान किया और वहां काम कर रहे मजदूरों को डराकर भगा दिया। बाद में वे प्रदर्शनी केंद्र गए और मूर्तियों को तोड़ दिया। ये मूर्तियां स्थापना के लिए तैयार की गई थी, इनमें से कुछ निर्माणाधीन थी। बदमाशों ने मूर्तियों को तोड़ने के लिए रॉड और दूसरे औजारों का इस्तेमाल किया। इस मामले में हालात की नजाकत को देखते हुए जिले की कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने बदमाशों के खिलाफ सबूत जुटाए। खबर फैलने के बाद हिंदू कार्यकर्ता और सैकड़ों की संख्या में लोग मंदिर परिसर में जमा हो गए। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी है। अब मंदिर में मूर्तियों को तोड़ने वाले नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। ये तमाम मूर्तियां मंदिर में लगाई जानी थी। हालांकि मूर्तियों को किन लोगों ने तोड़ा इसका अभी तक पता नहीं चल सका है, मगर पुलिस के हाथ इस मामले में कई अहम सुराग लगे हैं। पुलिस का कहना है कि हमने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। उनके अनुसार कम से कम 4 बदमाशों ने मिलकर मंदिरों में प्रतिमाओं को तोड़ा जिनकी कुछ दिनों में स्थापना होने वाली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 300 वर्ष पुराना मंदिर मिनी तिरुपति के नाम से मशहूर है। यहाँ के स्थानीय निवासी इस मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं, लेकिन जब मूर्ति तोड़ने वालों का ही अता पता नहीं है तो फिर कैसे पता लगाया जाए कि मंदिर तोड़ने वाले कौन लोग हैं। जब बदमाशों ने नशा करने पर इन हरकतों को अंजाम दिया तब मौके पर क्या कोई मौजूद नहीं था? क्या मजदूरों और वहां मौजूद किसी को मालूम नहीं मूर्तियां तोड़ने वाले कौन लोग हैं? अब सुनिए कि पुलिस की नजर में मूर्तियों को तोड़ने वाले उपद्रवी कितने महान और कट्टर सनातनी हैं। पुलिस का कहना है कि सोमवार को मंदिर परिसर में आए उपद्रवियों ने पहले कल्याणी मंदिर के पवित्र जल स्नान किया, उसके बाद उन्होंने वहां धूम्रपान किया, जबकि वहां मौजूद लोगों ने उनसे ऐसा ना करने की बात कही, लेकिन बदमाशों ने आपत्ति के बाद भी वहां धूम्रपान किया और परिसर में काम कर रहे मजदूरों को धमकाकर भगा दिया। बाद में वे प्रियदर्शनी केंद्र गए और उन प्रतिमाओं को ध्वस्त कर दिया। बदमाशों ने मूर्तियों को तोड़ने के लिए रॉड और अन्य हथियारों का इस्तेमाल किया था। इस मामले में पुलिस का कहना है कि हम इस मामले में गहनता से छानबीन कर रहे हैं, मतलब पुलिस का वही घिसा पिटा डायलॉग। लेकिन पुलिस ने एक बात बहुत ही दावे के साथ कही है कि बदमाश कल्याण मंदिर के पवित्र जल में स्नान करने के बाद मूर्तियों को तोड़ने गए थे, बकायदा इसके लिए हथियार भी लेकर आए थे, लेकिन बदमाशों ने बिना नहाए मूर्तियों को तोड़ने चल दिए। मतलब पुलिस उन बदमाशों को एक बहुत बड़े सनातनी के तौर पर देख रही है। अब उनका नाम पता भी होगा तो सबके सामने उनके नाम को जोर से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इससे उन लोगों की पहचान जाहिर हो जाएगी। एक भी ऐसा हिंदूवादी संगठन धरना नहीं दे रहा है, एक भी हिंदूवादी संगठन अब एक भी बदमाश के सिर पर टोपी लगाने की बात नहीं कर रहा, एक भी हिंदूवादी संगठन बदमाशों को जिहादी नहीं कह रहा। कर्नाटक की इस घटना पर फिलहाल देश की गोदी मीडिया को साफ सूंघ गया है, वो बिल्कुल ही खामोश है। लेकिन भाजपा का खामोश रहने का क्या मतलब निकाला जाए? आप तो जानते ही हैं कि भाजपा वाले कितने मासूम हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भाजपा नेता के भतीजे हिंदू और मुस्लिम दंगा कराने की साजिश रची थी, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, वरना वहां कुछ भी हो सकता था। दरअसल उस वक्त ईद का माहौल था, परशुराम जयंती भी ईद के ही दिन मनाई जा रही थी, लेकिन तभी खबर आई कि एक मंदिर में घुसकर किसी ने हनुमान जी की मूर्ति को तोड़ दिया है। इस तरह की घटना को दंगा कराने की नियत से किया गया था, लेकिन समय रहते कोई भी बड़ी घटना नहीं हो सकी, क्योंकि वहां लगे CCTV कैमरे की मदद से मूर्ति तोड़ने वाले शख्स की पहचान कर ली गई, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल वो एक हिंदू शख्स था जिसके तार भाजपा से जुड़े हुए थे। मंदिर में तोड़फोड़ करने वाले शख्स की पहचान सतीश चौहान के तौर पर हुई है। 28 साल का सतीश BJP के बड़े नेता का भतीजा था। गनीमत रही कि CCTV फुटेज के आधार पर भाजपा नेता का रिश्तेदार आरोपी नहीं पकड़ा जाता तो शहर में अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती और ईद के मौके पर एक बड़ा भयंकर दंगा हो सकता था। बहरहाल चलते चलते आखिर में रफिया शबनम आबिदी ने भी क्या खूब फरमाया है, खुद फरेबी है, दगाबाजी है, अय्यारी है, खुद फरेबी है, दगाबाजी है, अय्यारी है,
आज के दौर में जीना भी अदाकारी है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें, और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को, हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।